नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG 2023 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। यहाँ दोस्तों पूरा फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप भर के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसका नोटिस दिखा देते हैं जो NTA ने जो है जारी किया है। इसके हिसाब से इसके जो आवेदन है वो 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलेंगे। साथ ही साथ अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी गलती हो जाती है तो आप जो उसको 15 मार्च से 18 मार्च तक जो है सुधार सकते हैं। इसकी परीक्षा शहर की जानकारी 30 अप्रैल को जो है जारी जाएगी और 21 मई को जो है इसके जो है आपके एग्जाम होंगे। और जो आपका इसका जो एडमिट कार्ड है वो मई के दूसरे सप्ताह यानी कि लगभग 14 मई के बाद जो है जारी कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों आपको इसका जो है नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं जो टोटल 108 पेज का है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जैसे कि आपकी BHU हो गई, आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला हो गई, आपकी JNU हो गई, तो सारी यूनिवर्सिटी जो है इसमें इंक्लूड है। तो सीधा हम चलते हैं फॉर्म भरने पर। आपको बता दें इसके सिलेबस और आपको यूनिवर्सिटी की जानकारी चाहिए तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा उस पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस है, यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, कोर्स की लिस्ट है, एप्लीकेशन गाइड है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको बता दें इसके आवेदन करने का लिंक आपको sarkaririzult.com और rozgarrizult.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सीधा हम चलते हैं अप्लाई पर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको साइन इन दिखाई दे रहा है, एक दूसरा आपको रजिस्टर वाला दिखाई दे रहा है। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउजर आ रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इसको आपको फॉलो करना है। इसमें जो फीस है वो अप टू 3 सब्जेक्ट जो है 750 है जनरल वालों की, OBC EWS की 700 है, SC ST की 650 है। अगर आप अपना परीक्षा केंद्र भारत के बाहर यानी आउटसाइड इंडिया लेंगे तो उसकी फीस आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर आपके 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो 1500 रुपये और 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे तो 1750 रुपये। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस जो है निर्धारित की गई है। तो सीधा हम नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आगे बढ़ाना है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम है आपको नाम डालना है। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, फिर आपको अपने पिता का नाम डालना है, नेक्स्ट आपको अपनी मदर का नाम डालना है, नेक्स्ट अगर आप कोई गार्जियन वगैरह है तो अगर आप उनका नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपको अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि डालनी है। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर डालना है, नेशनलिटी डालनी है, आपको ID प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं जैसे कि आप जो है पैन कार्ड, स्कूल ID, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, अदर में अगर आपको देना चाहें तो। मैं अदर में अपना जो है आधार कार्ड का नंबर वगैरह है या वोटर ID कार्ड का नंबर है, जो भी आप जो है देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जैसे हम उसको देखे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पूछा आपका। तो दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। सबसे पहले मैंने एड्रेस डाल दिया। लोकलिटी जो आपकी वो डाल सकते हैं, लोकेशन आप अपना नियरेस्ट पॉइंट है वो डाल सकते हैं। आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया है तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। अपना जो आपका स्टेट है, जिस स्टेट से आपका एड्रेस है वो स्टेट डाल दीजिए। आपका स्टेट के बाद आपके जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। जो आपका पिन कोड है वो पिन कोड डाल दीजिए। उसके यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी दो बार डालनी है, इसे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी दो बार डालना है और साथ ही साथ मोबाइल नंबर में 0 का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ ही साथ अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें आप अपने फादर का, मदर का कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप दे सकते हो। सबको धन्यवाद। यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे टिक करना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको भरता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया है, एड्रेस भी जो है मैंने भर दिया है। सबको धन्यवाद। आपको नीचे आना है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और पासवर्ड डालना। बता दें पासवर्ड जो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए और पासवर्ड में आपको जो है एक स्पेशल कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक और एक जो है स्मॉल लेटर का प्रयोग करना है। तो बिल्कुल आपको जो है पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से जो है बनाना है, 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। और साथ ही साथ एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप जो है अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है पासवर्ड जो है डाल दिया है। तो यहाँ पे एक लेटर कम था तो मैं इसको एक लेटर और बढ़ा के जो है करता हूँ क्योंकि यहाँ पे 8 कैरेक्टर मांगा है। तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन में अपनी फेवरेट बुक है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सबको जाने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा को डालना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए नीचे चलते हैं। इस कैप्चा को जैसे लिखा है एज इट इज डालना है, कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखते हुए डालने पर यहाँ नीचे आप देखेंगे तो सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे देख सकते हैं पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है। रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको अच्छी तरह चेक करनी है, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ अच्छी तरह चेक करना है। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो थोड़ी सी चेकलिस्ट है जिसमें आपको नाम, पिता का नाम, अपनी ईमेल आईडी,
प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजों पे आपको टिक करना है। तो देख सकते हैं मैंने सारी चीजों पे टिक कर दिया है। टिक करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन उस पर टिक करेंगे और सबमिट फॉर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। कुछ गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। हमारा सब कुछ सही है, हम सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सबमिट करने लगा दिया है। सबमिट करने के तुरंत बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। या दोस्तों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था उसी पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको डालना है। देख सकते हैं मेरे पास ओटीपी प्राप्त हो चुका है। मैं यहाँ ओटीपी डालता हूँ, साथ ही साथ नीचे जो कैप्चा दे रहा है उस कैप्चा को डाल के सबमिट करता हूँ। जैसे हम करेंगे यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने सबमिट कर दिया है। अगर काफी देर तक ओटीपी नहीं आया तो रिसेंट ओटीपी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद देख सकते हैं इस तरीके के डैशबोर्ड में आप आ जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है CUET UG 2023। और यहाँ पे लेकिन फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट सबमिटेड लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, आपको उस पर क्लिक करना है। साथ ही साथ अभी आपको अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आपको जो फॉर्म का पेमेंट नहीं होगा। तो मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई है, ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं है, चलिए उसको बाद में करेंगे। सीधा हम क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर और आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो जानकारी है रजिस्ट्रेशन वाली आ चुकी है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं आई है जैसे कि आपकी कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं अपनी कैटेगरी डाल देता हूँ। जो कैटेगरी कैंडिडेट है उनको अपना डिटेल्स और भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका फादर का जो आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, फादर के आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, साथ ही साथ फादर का जो आपका ऑक्यूपेशन है वो डालना है। सेम वही प्रोसीजर आपको मदर में करना है। मदर के आपको क्वालिफिकेशन डालनी है, मदर का आपको जो है ऑक्यूपेशन कुछ डालना है, आपको अपने परिवार की फैमिली इनकम डालनी है। यहाँ पे पूछा कि आप जुड़वा तो नहीं है, आपका डोमिसाइल का स्टेट यानी आपका निवास जो है किस जो है स्टेट का है तो निवास डालना है। आपका पूछ रहा है कि आर यू आर डायबिटिक, क्या आप शुगर के पेशेंट तो नहीं, अगर है तो यस करना है, नहीं तो सिंपली आपको नो कर देना है। पूछा है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से, सिंपली आपको सेलेक्ट कर देना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आप खुद पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, जो भी है वो आप कर सकते हैं। मेरा सेल्फ है, मैं सेल्फ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जामिनेशन का जो आपका जो भाषा है यानी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन मीडियम, मैंने उसको हिंदी सेलेक्ट किया है। आपकी इच्छा क्या जो है सेलेक्ट करना चाहते हैं। नीचे आपका एड्रेस वगैरह सबको रजिस्ट्रेशन से आ जाएगा। यहाँ पे पूछा कि आप बीपीएल कार्ड धारक तो नहीं है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट है, एक्स सर्विस मैन है, कोई एनसीसी कोटा तो नहीं है, कोई स्पोर्ट्स का कोटा तो नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी के एम्प्लाई वगैरह का तो आपका कोई वेटेज नहीं है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी वेटेज है तो उसको जरूर डालिए, उसमें आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे सेव का आपको बटन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सेव करेंगे देख सकते हैं सेव हो चुका है। सेव होने के बाद जो है यहाँ पे आ रहा है वह प्रीव्यू आ रहा है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस है तो अपडेट पर्सनल फॉर्म पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको जो है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो हमारा सब कुछ सही है, हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे हम आ चुके हैं अपने क्वालिफिकेशन वाले टैब पर। सबसे पहले आपको क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल की डिटेल्स देनी है, आप पास है कि नहीं है, सबसे पहले पूछ रहा है पास। उसके बाद साथ ही साथ आपको डालना है पासिंग ईयर, पासिंग ईयर डालने के साथ ही आपको पूछा स्कूल जो है वो अर्बन है कि रूरल है, ये डाल देना है। स्कूलिंग पूछा आपकी गवर्नमेंट स्कूल है, KVS है, गवर्नमेंट एडेड है, प्राइवेट है, JNV है, CBSE है, जो भी है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है करना है। तो जैसे मेरा स्कूल गवर्नमेंट है, मैंने गवर्नमेंट डाल दिया। स्कूल की लोकेशन पूछेगा कि आपका इंडिया में है, कहाँ है, साथ ही साथ आपको स्टेट डाल देना है और यहाँ पे आपको स्कूल का जो सिटी है वो डाल देना है, स्कूल का जो बोर्ड है वो डाल देना है। मेरा यूपी बोर्ड है, मैं डाल देता हूँ। अगर आपको यूपी बोर्ड ना हो, कोई और बोर्ड हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके बोर्ड का नाम नहीं मिलता तो आधार का भी ऑप्शन है, आप आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल का बोर्ड के डालने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल का जो है नाम डालना है। तो जैसे मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वो मैं डाल देता हूँ। आगरा मैंने लिख दिया है, सदर बाजार यानी लोकेशन भी डाल देनी है। नेक्स्ट आपको स्कूल का पिन कोड डालना है। अगर आपको स्कूल का पिन कोड नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइए, अपने स्कूल का नाम उसके आगे पिन कोड लिख दीजिए, आपको स्कूल का पिन कोड जो है मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो अपना पिन कोड जो है अपना फाइंड कर चुका हूँ, मुझे पिन कोड पता लग गया है। तो चलिए मैं अपना पिन कोड डालता हूँ। देख सकते हैं पिन कोड डालने के साथ ही मुझे अपना हाई स्कूल यानी क्लास 10 का रोल नंबर डालना है। रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में था कि ग्रेड में था, आपको सेलेक्ट करना है। मेरा परसेंटेज में था। सबसे पहले आपको मैक्सिमम मार्क्स डालना है, उस पर आपको कितना नंबर मिला है वो डालना है। देख सकते हैं दोनों चीज डालने के बाद आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद है क्लास 12th। क्लास 12th का पास है कि अपीयरिंग आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा जो है 2023 है तो मैं अपीयरिंग हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कर लिया है। आप पास आउट होंगे तो आपको सेम वही डिटेल जैसे आपने हाई स्कूल में भरी थी उसी तरह भरना है कि आपका स्कूल अर्बन है, गवर्नमेंट है, कि आपका स्कूल का लोकेशन क्या है, स्कूल का जो टाइप है, स्कूल की सिटी है, सारी चीज़ें आपको डालना है। बोर्ड का नाम है, जैसे अभी आपने देखा मैंने हाई स्कूल भरा था, इसी तरह मैं फटाफट जो है इंटरव्यू भर दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है आपका स्कूल का जो एड्रेस है, पिन कोड है, सारी चीज़ें आपको डालनी है।
पिन कोड अगर आपके स्कूल का ना पता हो तो गूगल पे अपने स्कूल का नाम साथ ही साथ जो है उसका लोकेशन डाल देने के आगे पिन कोड लिख देंगे, आपको पता चल जाएगा सब कुछ सही है। सेव करते हैं, सेव करने पर आपको देख सकते हैं पूरा प्रीव्यू आ चुका है। कुछ भी चेंजेस हो तो अपडेट पे क्लिक कीजिए, सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिए। मेरा सब कुछ सही है, मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहां पे आपको दो एग्जामिनेशन सेंटर देने हैं जो कि आप अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, लेकिन मैं दोनों सेंटर उत्तर प्रदेश के लेता हूं तो मैंने दोनों सेंटर उत्तर प्रदेश कर दिया है। पहला सेंटर मैं आगरा ले लेता हूं, दूसरा सेंटर मैं जो है फाइंड करता हूँ कौन सा ले लूँ, तो दूसरा सेंटर मैं ले लेता हूँ, कौन सा लूँ, मैं बनारस ले लेता हूँ। पहला मैंने आगरा लिया है, दूसरा मैंने बनारस ले लिया है। आपकी इच्छा है, जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का नाम जो है ऐड करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस कोर्स का नाम जो है आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, DEI यानी कि दयाल बैग पब्लिक स्कूल को जो है दयाल बैग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे किस कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे मैं बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो बीकॉम क्लिक करूंगा। बीकॉम करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड पे सेलेक्ट कर देना है। तो अगर आपको जो जो कोर्स करने हैं आप एक साथ जो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फीस का मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वाइज फीस है, पैसा लगता है। इसके बाद मैं जो है BHU ले लेता हूँ। तो जो आपको जो जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि आप इच्छुक है वो यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर देना है। आपको अलग अलग पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है नहीं भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो अगला अलग यूनिवर्सिटी का जो है BHU का करता हूँ। यहाँ BHU पे भी मैं जो BCOM सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना, देख सकते हैं BCOM मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, BCOM मुझे दिख गया है। ये मैंने क्लिक किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो आप देखेंगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स भी दे रहा है, यानी ये सब्जेक्ट जो है आपको डालने जरूरी है, जैसे जनरल टेस्ट है, सारी चीजें आपको डालनी है। मैं एक जो है और एक कोर्स ऐड कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं किसी यूनिवर्सिटी को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, देवी एलिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, देवी एलिया में BCA को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं 4 साल का BCA कोर्स है, उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। या कोई भी आप कोर्स जो आपको लगता है कि इस कोर्स से आपको एडमिशन लेना है वो कोर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट आपके जो है अगले जो सेक्शन आएगा उसमें ये सब्जेक्ट होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने जो 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 कोर्स डाले उसके जो सब्जेक्ट आ रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वाला ऑप्शन खुल जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप अलग अलग विजुअल देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, जनरल टेस्ट है और जो है मैथ्स वगैरह। तो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है उसको जो है जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश सिलेक्ट किया, उसके बाद में जैसे उसमें जो मैथ दिया हुआ था मैं यहाँ पे मैथ सिलेक्ट कर लूंगा। उसका यहाँ पे मीडियम पूछा है हिंदी इंग्लिश उर्दू, जो भी आपका मीडियम है वो डाल दीजिए। इसी तरह उसका मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, जनरल टेस्ट है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मुझे फटाफट जो है इसको जो ऐड कर दूंगा। देख सकते हैं अकाउंटेंसी मैंने कर दिया, उसके बाद मैं बिजनेस स्टडीज को भी ऐड कर दूंगा। और जनरल टेस्ट तो आपको जो सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप उसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना जो है जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मैं यहाँ पे बिजनेस जो है हो सकता है थोड़ा आपको खोजने में समय लगे, जैसे देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज मुझे थोड़ा नहीं मिल रहा है। ये देखिए मुझे मिल गया, मैंने सिलेक्ट किया, साथ ही साथ मैंने जो मीडियम है इसको दोनों को हिंदी कर दिया है। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है लेकिन जनरल टेस्ट अभी नहीं हुआ है। तो मैं जनरल टेस्ट को क्या करता हूँ लास्ट में डाल देता हूँ, इन सबको मैं नॉट एप्लीकेबल करता हूँ और फटाफट जो है आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको इस पर करके दिखाऊंगा, अगर आप इस तरीके से छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो देखिए नहीं बढ़ेगा। देखिए मैं सेव किया, नहीं हुआ सेव, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको नहीं करना तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हैं मैंने सब पे जो नॉट एप्लीकेबल किया और उसके लास्ट वाले में जनरल टेस्ट को जो सिलेक्ट कर दूंगा। देख सकते हैं ये देखिए जनरल टेस्ट क्योंकि कंपलसरी है उस पर सेट किया और यहाँ पे जो मीडियम उसका सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे जो है सेव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों उसको सेव करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह चेक करने के बाद उसके बाद ही सेव कीजिएगा। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ फॉर्म लगभग जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सेव करने के बाद यहाँ पे एक बार फिर से प्रीव्यू खुलेगा, आप अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। बता दें फोटो में जो आपका 80% फेस सामने होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड लाइट है तो व्हाइट होना चाहिए, साइज 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह फोटो लगाइएगा। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, अगर आपको डिसाइडिंग में जरा सी भी दिक्कत हो तो आप हमारी नई वेबसाइट खोल सकते हैं जिसका नाम है sarkaririzult.tools। बहुत ही अत्याधुनिक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज का साइज कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको रिसाइज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है ये, इसको अपनी तुरंत ही बुकमार्क पे जरूर सेव कीजिए। और साथ ही साथ ये मोबाइल पे भी वर्क करती है, आप अपने मोबाइल से भी डॉक्यूमेंट का रिसाइज कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके के ऑप्शन है इस पे। तो चलिए दोस्तों हमारा फोटो सिग्नेचर हमें प्राप्त हो चुका है, हम इसको लगाते हैं और आगे चलते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे फिर से एक चेकलिस्ट आ जाएगी।
तो यहाँ पे चेकलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, जिसमें नाम, पिता का नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, कैटेगरी, ये सारी चीजें चेकलिस्ट पे आपको जो है टिक करते जानी है। देख सकते हैं मैंने सारी चीजों को धीरे धीरे करके जो है टिक कर रहा हूँ, सब टिक हो चुका है। टिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आगे बढ़ना है। लेकिन आपको ध्यान रखिए अभी हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुई है, तो जैसे हम प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे उससे बाद अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। बहरहाल दोस्तों मैंने अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर ली है, फीस आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने सब्जेक्ट 5 सेलेक्ट किए थे इसलिए फीस मेरी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे पेमेंट के आपको तमाम तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, पेटीएम है, जिसमें आप चाहे उससे जो पेमेंट कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसका पेमेंट अपने स्टेट बैंक से करता हूँ, तो स्टेट बैंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप अपने जो है नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दोस्तों पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट आउट आपको जरूर निकालना है। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते तो आप जो है इसको अपने जो है ईमेल पे या व्हाट्सएप वगैरह पे सेव भी कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लगातार विजिट करते रहिए सरकारी रिजल्ट.com और रोजगार रिजल्ट.com। नमस्कार, धन्यवाद।